यरूशलेम के 8 फाटकों में से सबसे पुराना फाटक है पूर्व की फाटक यानी ईस्टर्न गेट, जिसको गोल्डन गेट भी कहते हैं। हम जानते हैं कि पहली बार यरूशलेम मंदिर को राजा सुलेमान ने बनाया और यरूशलेम के शहरपना को राजा सुलेमान के द्वारा बढ़ाया गया। मगर जब नबुकदनेज़र ने इसराइलियों को गुलाम बनाकर ले गए, तब उन्होंने यरूशलेम की दीवाल को गिराया। फिर दोबारा उस दीवाल को नहिमिया के द्वारा खड़ा किया गया है, ये हम जानते हैं। प्रियो, इस यरूशलेम मंदिर के 8 फाटकों में से 7 फाटक खुला हुआ है, मगर एक ही ऐसा फाटक है जो आज तक बंद है, वो है गोल्डन गेट, जिसके बारे में अद्भुत खुलासा आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बाइबल में गोल्डन गेट को बहुत महत्व दिया गया है। पुराना नियम के समय में पापों का प्रायश्चित के लिए साल में एक बार जो महाबली होता था, जिसको डे ऑफ अटोनमेंट यानी योम किपुर दिवस कहते हैं, उस दिन मंदिर का एक सेवक बलि के भेड़ को लेकर उसी फाटक से होकर मरुस्थल के लिए बढ़ता था। इतना ही नहीं, नए नियम में यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम मंदिर की ओर इसी फाटक से होकर गुजरे थे। ये इसलिए भी है क्योंकि यरूशलेम मंदिर के सबसे नजदीक फाटक ईस्टर्न गेट ही था। मगर प्रियो, आज ये गेट बंद पड़ा है। इसके पीछे परमेश्वर का मर्जी है। यहेजकेल 44 का 1 और 2 में भविष्यद्वक्ता यहेजकेल से परमेश्वर की आत्मा ने जो कहा है वो ऐसा लिखा है, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। प्रियो, इस भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम की उस फाटक आज तक बंद पड़ा है। इतिहास कहता है 1530 एडी में मुस्लिम के ओटोमन तुर्क साम्राज्य ने एक बड़ा सा पत्थर रख के उस गोल्डन गेट को पीछे से बंद कर दिया। और जब उन्हें ये सुनने मिला कि यहूदियों ने उनके मसीहा की आगमन का प्रतिथि कर रहे हैं और मसीहा को इसी फाटक से होकर अंदर प्रवेश करना है, ये जानकर ओटोमन तुर्क्स ने इसी फाटक के आगे एक कब्रिस्तान खोला, जहां पर अरब्स अपनी लाश को आज भी दफनाते हैं। वो कब्रिस्तान आज तक है। ये इस सोच के कारण उन्होंने किया गया कि यहूदियों का मसीहा कब्रिस्तान में पांव रखते हुए उस फाटक से अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मगर जो भी हो प्रियो, परमेश्वर ने जब तक उसे बंद ही रखने के लिए तय किया है, तब तक वो बंद ही रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन का समय होगा, तब जरूर वो फाटक खुलेगा और महिमा का राजा उससे होकर प्रवेश करेगा। क्योंकि भजन संहिता 24 का 7-10 में लिखा है, हे फाटको, अपने सिर ऊंची करो, हे सनातन के द्वारो, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर, जो सामर्थी है और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सर ऊंची करो, हे सनातन के द्वारो, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। प्रियो, दाऊद ने आत्मा में होकर उस महिमा में राजा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखा है, जब उनका आने का समय होगा, तब ये सारे फाटकें भी खुल जाएंगी और उसी से होकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश करेंगे। तब यरूशलेम के निवासियों एक साथ कहेंगे, धन्य है वे जो प्रभु का नाम लेकर आता है। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।